हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 15th of June एंड इन द सीरीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स दैट वी वेर टेकिंग एंड वी वेर स्टडिंग कैलकुलस, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस वी हैड स्टार्टेड. सो टुडे कंटिन्यूइंग दैट सीरीज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस. ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग कंटिन्यूटी और बिफोर गोइंग इन टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, let me define a function y is equal to fx. So this is a function defined for some value x naught in some neighborhood with center at x naught. Okay, so I'm saying that this is defined for some value x naught and in some neighborhood with center at x naught. Okay, that means in the neighborhood of x naught and in some neighborhood with center at x naught, with center at x naught. तो ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि x नॉट अगर आपका पॉइंट है और ये नंबर लाइन पे है, तो x नॉट प्लस एप्साइलन, मान लीजिए कोई आप क्वांटिटी लेते हैं एप्साइलन, और x नॉट माइनस एप्साइलन, तो ये जो आपका पार्ट हुआ ये आपका इसका x नॉट का नेवरहुड कहलाया, और इस नेवरहुड में भी ये जो आपका फंक्शन है ये डिफाइंड है, यही कहने का मतलब है. तो आगे चलते हैं, अब लिखते हैं कि let y naught is equal to f of x naught, यानी इसी फंक्शन में जब मैं x की जगह x naught डालता हूँ तो मुझे y naught मिलेगा. अब एक और बात है कि अगर मैं x में कोई इंक्रीमेंट करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं x को कर देता हूँ x naught प्लस डेल्टा x, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी इंक्रीमेंट होगा और उसे हम लोग नाम देंगे y naught प्लस डेल्टा y. अब बात समझ रहे हैं, मैंने क्या किया, x नॉट में कोई इंक्रीमेंट किया, x में कोई इंक्रीमेंट किया डेल्टा x, तो ये बन गया x नॉट प्लस डेल्टा x. इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया. अब ये इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट क्या था हमारा, डेल्टा y, ये अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे. तो अगर मैं इस टर्म में से y नॉट प्लस डेल्टा y में से y नॉट को माइनस कर लूँ तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा y, और इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट. तो ये आप समझ गए कि डेल्टा y जो डिफरेंस है, जो इंक्रीमेंट है, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, f x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f x नॉट. अब चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कंटिन्यूटी का डेफिनेशन. तो पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग. डेफिनेशन A function y is equal to f of x is called continuous at point x naught. Continuous at point x naught if it is defined, if it is defined in some neighborhood, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NBD, of point x naught, और obviously at the point x naught as well and x naught as well, मतलब x naught के neighborhood में तो defined होना ही चाहिए, साथ साथ x naught पे भी डिफाइंड होना चाहिए. एंड इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो आप आइए इस डेफिनेशन को देखते हैं फिर से, क्या कर रहा है. अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स नॉट
इफ इट इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट प्लस एप्साइलन एक्स नॉट माइनस एप्साइलन में डिफाइंड होना चाहिए, एंड इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करने पे डेल्टा वाई भी हमारा जीरो हो जाए। तो ग्राफिकली देखिए इस बात को हम लोग कैसे समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि ये अगर मैं वाई एक्सिस बनाऊँ और ये अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ये मैं ऐसा बनाता हूँ अगर, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ ऐसे ऐसे, मैंने एक फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है यहाँ पे एक्स नॉट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ये पॉइंट हो गया दूसरा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये जो गैप हुआ आपका, ये कितना का गैप हुआ, कितना का इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा एक्स का, और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो ये आपका था एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई नॉट, और यहाँ है वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हुआ आपका डेल्टा वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक्स नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, अगर मैं एक्स नॉट पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे एक्स नॉट पॉइंट में, तो इसके विसिनिटी में मतलब नेबरहुड में एक्स नॉट माइनस एप्साइलन एक्स नॉट प्लस एप्साइलन में, तो वो फंक्शन डिफाइन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ, उसके साथ साथ अगर मैं इस डेल्टा एक्स को जीरो करता हूँ, इस इंटरवल को जीरो करता हूँ, तो डेल्टा वाई भी मेरा जीरो को टेंड करना चाहिए। ये है डेफिनेशन कंटिन्यूटी का, ठीक है। अब इस जो चीज़ हमने लिखा, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग और वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या, इससे हम लोग और भी इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। देखिए एक बात आपने कहीं देखा होगा कि जैसे मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू और यहाँ लिखता हूँ साइन x, तो हम जनरली कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, इवेल्युएट करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा x की जगह पाई बाई टू डाल देते हैं, है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि x की जगह अगर मैं पाई बाई टू डाल दूँ तो जो साइन का वैल्यू होगा वही ये फंक्शन चाह रहा है, मतलब कि क्या ये सफिशियंट है कि इस फंक्शन में x की जगह पे पाई बाई टू पुट कर दिया जाए तो ये वही लिमिट देगा जो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा है। चलिए हो सकता है अभी आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं लग आ रहा होगा या फिर अटपटा लग रहा होगा, तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इस चीज़ को, ये जो मैंने लिखा ये तो डेफिनेशन था मेरा, क्या इस चीज़ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए मैंने उस पेज पे क्या लिखा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या इस चीज़ से अगर मैं ऐसा लिख दूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स या फिर एक्स नॉट लिख लेते हैं एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये दोनों सेम थिंग है, पहले तो आपको ये समझना होगा। बिल्कुल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेल्टा वाई का डेफिनेशन क्या है पीछे, डेल्टा वाई का डेफिनेशन ही था हमारा ये चीज़, दोनों फंक्शन के जो वाई एक्सिस के फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा था उसका डिफरेंस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन वन और इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन टू, तो क्या ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूटी कंडीशन, कंटिन्यूटी कंडीशन क्यों, क्योंकि ये वन और टू दोनों सेम ही चीज़ है, इक्वेशन वन और टू दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है मेरा वो इंडिपेंडेंट है डेल्टा एक्स, तो वहाँ मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ उस तरफ। अब अगर आप फिर देखें इस चीज़ को तो क्या ये लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट,
क्योंकि x टेंड्स टू x नॉट लिख रहा हूँ मैं। पहले क्या लिख रहा था, डेल्टा x। डेल्टा x क्या था, देखो x हमारा बन रहा था x नॉट प्लस डेल्टा x, या फिर x नॉट बन रहा था हमारा x नॉट प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा x अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो उसको मैं लिख रहा हूँ x x नॉट की तरफ टेंड कर रहा है। ऐसा कब हो रहा है, जब यहाँ पे मैंने x नॉट प्लस डेल्टा x की जगह सिर्फ x लिखा, ठीक है। मतलब इस वेरिएबल की जगह मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि x हमारा x नॉट की तरफ से जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ये f x नॉट बनेगा। अब यहाँ से अगर मैं एक और पॉइंट लूँ, f को अगर मैं रिमूव कर दूँ, मैं f को रिमूव नहीं कर दूँ, मैं एक सिंपल डेफिनेशन पे जाता हूँ कि लिमिट x x टेंड्स टू x नॉट, क्या इसी को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये x नॉट हो जाएगा? क्या इसी को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ x नॉट हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो होता ही है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि दिस लिमिट कैन बी इवेल्यूएटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू x नॉट इंटू एक्स। यही बात है जो मैं आपको सुने समझा रहा था कि उस वक्त आपका एफ ऑफ एक्स साइन था, यहाँ पे पाई बाई टू था। तो इस लिमिट को इवेलुएट करने का मतलब है, इक्विवेलेंट है कि मैं यहाँ पे साइन लिखूँ और ये जो एक्स है साइन एक्स एक्स, उस एक्स की जगह पाई बाई टू डायरेक्टली पुट कर दूँ। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, ध्यान से सुनिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, इट इज सफिशियंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन टू पुट द वैल्यू एक्स नॉट इन प्लेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स। समझ गया? इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, क्या मैं बोल रहा हूँ सब फिर से सुनो, इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट, इट इज सफिशियंट इन एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन टू पुट द वैल्यू एक्स नॉट इन प्लेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया आपको कि मैं क्यों वो पहले आपको बात बोल रहा था कि अगर मैं लिखता हूँ ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू और साइन ऑफ एक्स, तो ये इक्विवेलेंट है अगर मैं साइन की जगह पाई बाई टू पुट कर दूँ, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू टेलिंग ये इसका जो वैल्यू होगा वो साइन पाई बाई टू या फिर वन होगा, ठीक है। तो ये आपको, ये जब लिमिट को हम इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। तो आई होप कि कंटिन्यूटी का ये आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूटी हम लोग किसको बोलते हैं, और कंटिन्यूटी के बारे में एक और पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट का वैल्यू निकालना है तो वो सफिशियंट है कि उस एक्सप्रेशन में हम एक्स नॉट पुट कर दें उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। अब एक करके देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, सॉर्ट ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम है। हम लोग प्रूव करते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस
एट एनी आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं y नॉट इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर, फिर आगे लिखूं y नॉट प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x नॉट प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से लिखूं कि डेल्टा y इज इक्वल टू x नॉट प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आएगा 2x नॉट डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये इतना हमारे पास बच के आ गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ x नॉट डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा निकल के ट्वाइस ऑफ x नॉट लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x इंटू, दोबारा इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा x। ठीक है, दो बार कर दिया डेल एक्स स्क्वायर को, और ये वाला पार्ट क्या है 0, ये वाला पार्ट भी 0, तो ये पूरा लिमिट हमारा निकल के आएगा 0। अब आप इस चीज़ को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रा करता हूँ और ये हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, अगर मैं डेल्टा एक्स को ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर यहाँ पर अगर मेरा पॉइंट है एक्स नॉट और यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 में ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला केस है, तो इस केस में जो डेल्टा वाई आएगा, इस केस में जो डेल्टा वाई आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स हमारा 0 को टेंड कर रहा है वैसे वैसे हमारा डेल्टा वाई भी 0 को टेंड करेगा, यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़। और सिमिलरली अगर मैं ऐसा कर्व बनाऊँगी, डेल्टा एक्स लेस देन 0 लिखूँ डेल्टा वाई लेस देन 0 लिखूँ, यानी इससे इस तरफ नहीं चल के वापस उस तरफ चलें कुछ इस ढंग से, जैसे कि ये एक्स नॉट है और ये इस तरफ है मेरा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, मान लेते हैं डेल्टा एक्स निगेटिव है। ठीक है, तो उस ढंग से हम ग्राफ में भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स जैसे जैसे हमारा डेल्टा एक्स 0 का अप्रोच कर रहा है डेल्टा वाई भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और इसीलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो ये तो हो गया इस चीज़ का बात कि फंक्शन के कंटिन्यूटी का। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंटिन्यूस फंक्शंस का, और वो हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। इसमें पहला जो है फर्स्ट है, यहाँ लिख रहे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन सम इंटरवल, क्लोज इंटरवल है हमारा a कॉमा बी, और दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a लेस दैन इक्वल टू b, देयर विल बी on this interval at least one point
x is equal to x1 such that the value of this function at that point will satisfy f of x1 is greater than or equal to f of x, where x क्या है, x is any other point of the interval, and writing थोड़ा clear नहीं है उतना, इसके लिए sorry, and there will be at least one point x2 such that the value of the function will satisfy f of x2 is less than equal to f of x. अब देखिए ये ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा लिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, अगर मैं इसको ब्रीफली आपको समझाऊं ये कहना क्या चाह रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है एक इंटरवल में, एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है एक इंटरवल में ए कॉमा बी, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखना है, दोनों इंक्लूडेड है, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, यही ये कह रहा है कि इस इंटरवल में जो कि क्लोज्ड इंटरवल है, एक इसमें से जरूर होगा जो ग्रेटेस्ट होगा, मान लो कैपिटल एम, और एक स्मॉलेस्ट होगा स्मॉल एम, ठीक है। तो जैसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि इफ़ अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन सम इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल का बात हो रहा है, ग्रेटेस्ट ओपन इंटरवल में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूं कि ए इज एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये इंटरवल ए है जिस पे ये ओपन है और मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ मान लो एक्स, तो एक्स से छोटा मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और इन्फाइनाइटली पॉइंट्स होगा जो उससे छोटा होगा, यानी उसका मैं बाउंड नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो assertion है कि एक ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन का होगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा कब, जब यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाए, क्लोज इंटरवल नहीं हो। मान लो कि मैं इस बात को फिर से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ एक फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स का, और इंटरवल किस में, ज़ीरो से लेके x से लेके, ज़ीरो से बड़ा और वन से छोटा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि देर विल बी नो ग्रेटेस्ट एंड नो लीस्ट वैल्यू अमॉन्ग देम। ऐसा क्यों, मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू ही नहीं होगा यहाँ पे। जैसे देखिए ये ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बना, अब ये ज़ीरो है जहाँ पे ये ओपन है, और ये वन है यहाँ पे ये ओपन है। अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट मैंने मान लिया कि लीस्ट वैल्यू मान लो मेरा एक्स स्टार है, ठीक है, तो एक्स स्टार के बाद मुझे एक्स स्टार बाई टू मिल सकता है उससे छोटा, एक्स स्टार बाई थ्री, ऐसा करके इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज़ मिल जाएगा जो हमारा इससे छोटा होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक। इसी ढंग से ग्रेटेस्ट ये जो स्मॉलेस्ट है वन, वहाँ पे भी मैं वन से जस्ट छोटा अगर कोई वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करूँ और उसे मैक्सिमा कर दूँ, तो वन में और उसमें उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देर इज़ नो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट एंड देर इज़ नो एक्सट्रीम राइट पॉइंट,
देयरफॉर देयर इज नो लीस्ट एंड नो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x. तो इस केस में क्या हो रहा है कि देयर इज नो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट एंड नो एक्सट्रीम राइट पॉइंट. ठीक है, इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि यहाँ पे इक्वालिटी होना ज़रूरी था पिछले वाले इसमें. यहाँ पे जब क्लोज इंटरवल होगा तभी हम लोग ये सारी बातें कर सकते हैं. तो जब कभी भी क्लोज इंटरवल होगा तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल है मान लीजिए हमारे पास ऐसा, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक वैल्यू सबसे छोटा है मान लो यही मिनिमा, और यहाँ पे इत्तेफाक से या फिर ये वाला पॉइंट है हमारा जो सबसे बड़ा है तो कैपिटल एम ऐसा एग्जिस्ट करेगा. तो सत्य आपका फंक्शन किसी दो वैल्यू पे क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड हो. तो ये एक प्रॉपर्टी था कंटिन्यूस फंक्शन का. दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना जो रिव्यूज़ है आपका, और लाइक करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू.